ठीक है आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अभी YT पे पता है आप सभी को जो सपना दीदी का वीडियो आ चुका है, तो हमने आप सभी को पहले ही बताया था जो ये केस कोर्ट कचहरी ना बिल्कुल ही सब बात झूठी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होगा तो जरूर आप सभी को पता लग जाएगा। पर अभी जो सपना दीदी का बयान आया है ना, तहे दिल से उनको सल्यूट करती हूँ मैं। वो इसलिए कि जितने भी अफवाह और उड़ रहे थे ना लोग, व्यूज जो छाप रहे थे, इनकी तड़प इतनी बढ़ गई थी जो उनके गांव जा जा के लोगों से पूछ रहे थे उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ऐसे जो पूछ रहे थे ना, उनके मुंह पे ये करेक्ट वाला तमाचा है और उनके मंडली के भी मुँह पे तमाचा है ये वाला वीडियो सपना दीदी का। अब ना तुम लोग अपनी आँख फाड़ के या फिर आँख में पानी झोंक के देख लेना थोड़ा वीडियो, जो इंसाफ दिलाने की तुम लोग बात कर रहे थे ना, इस तरीके का कोई बात था ही नहीं जिससे ऑडियंस को लगे जो हाँ भाई इंसाफ दिलाना चाहिए। वाकई जो राजवीर भैया के साथ हुआ है ना वो बहुत ही बुरा है, किसी ने करवाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब ये वीडियो देखिए पहले। कुछ नहीं है, ऐसा होता तो हम लोग नहीं देखते। राजवीर जी तुम्हारे कुछ ज्यादा लगते थे कि हमारे कुछ नहीं थे, कि वो पापा जी उनके कुछ नहीं थे, तुम्हारे ज्यादा थे कि तुम ज्यादा ये छानबीन गांव तक, हमारे गांव तक पहुंच रहे हैं, वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं, फिर FIR करवा दी तुमने उन भैया के नाम पे। मत करो, मत करो, किसी तुम्हें दुख दर्द नहीं हो रहा ना, तो इतना करो कि दूसरे को जीने दो, अच्छे से जीने दो, ठीक है। और तुम्हें जो करना है, जिसको हद से नीचे गिरना है वो गिर लो, क्योंकि अभी हमारा ऐसा टाइम है, हम किसी से कुछ बोल नहीं सकते, क्या बोले, इतनी दम नहीं है किसी में भी। देखिएगा इस वीडियो, सपना दीदी खुद कह रही है जो राजवीर भैया जो है आप ही के सब कुछ लगते हैं, हमारा कुछ नहीं लगता। तो हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा राजवीर भैया जो लगते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इनको लग रहा है जो इंसाफ दिलाने की बात कर रही है, इंसाफ की देवी को लग रहा है जो राजवीर भैया हमारे बहुत कुछ है, ये है, दुकूर है, जो कि वो मेकअप कर रही हैं, अपने बालों को ठीक करा रही है, प्लस नाखून भी लगा के घूम रही हैं, ऐसे कारनामा करके वो दुख जाहिर कर रही है। तो हमें ये बता दो कोई, जो इंसाफ दिलाने वाले आदमी क्या इतने गिरे होते हैं या फिर इस तरीके से होते हैं जो किसी के इमोशनल के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं इन जैसे लोग। अभी तो ये मुंह के बल गिरी हैं, अभी भी इनको शर्म नहीं आएगा, देखना वीडियो जरूर छापेंगे ये जो सपना दीदी का ये बयान है ये। और साफ साफ दीदी ने इस वीडियो में बोला है जस्ट आपका ही नाम लिया है, क्यों, क्योंकि इंसाफ ना आप ही दिलाने के लिए उछल रहे हो, खूब तड़प रहे हो। और उनके पापा के, उनके मम्मी से सपना दीदी को कह रही तुम लोग आगे आओ, इंसाफ तभी मिलेगा, ये वाला वीडियो। परिवार देखना है, मैं तुम्हारी FIR सिर्फ और सिर्फ तुम व्यूज के लिए कर रही हो, व्यूज के लिए, रिलेशन निकाल रहे हैं लोग हमसे, हम उनके ये लगते हैं, हम उनके ये लगते हैं, और बस व्यूज के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। तुम पे बीती नहीं है, तुम पे खुद पे बीतती ना तब तुम्हें पता चलती कि क्या होता है एक दुख। भाभी जी को कैसे भूल सकते हो, भाभी जी भी तो गोलियां चला रही थी दूसरे के कंधे पे रख के, भाभी भी रिश्ते में कुछ नहीं लगती हैं। सपना दीदी रिश्ते में खुद ही बोलती जो हाँ वो हमारी रिश्तेदार है, ऐसा कुछ बात हुआ नहीं है। रिश्तेदारों के लिए भी यही बोला जा रहा है जो कुछ लोग आ रहे हैं और रिश्तेदार बन के दिखा रहे हैं। तो अब रिश्तेदार आप लोग क्या कहना चाहोगे, वीडियो बना के डालिए, भाभी जी बड़े आप फूफा की वो बन रहे थे ना, भाई हम तो इंसाफ दिलाएंगे, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अब काहे नहीं अपना चुप्पी तोड़ते हो जो रिश्तेदार के लिए दीदी ऐसा बोल रही हैं, अब उनको जाके बोलो सो नहीं होगा। तो अब इंसाफ की देवी, उनको अभी तक शर्म आ नहीं रहा है, ममता केस में व्यूज खा ली, किसी के डेट पे व्यूज खा ली, कोई मर गया उस पे व्यूज खा लिया, एक बार तो खा लिया, चलो भगवान ने माफ कर दिया, दो दो बार जो तुम खा ली हो ना भगवान उसका भी इंसाफ जरूर करेगा आपके साथ में, समझ गया ना, क्यों, क्योंकि आप बहुत हर किसी का दिल दुखाते हो, आपको सब। तो गाइस देखे, सपना दीदी ने खुद अपने मुंह से सारी बात बताई है, अब आप सभी को कैसा लग रहा है। और क्या, और कुछ लोग उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, भाई साहब देखो आप लोग किसी के फोटो पे ऐसे हार मत चढ़ाइए, किसी को जीते जी मत मारिए। अगर आपने वीडियो में मार दिया है, कल की डेट में वो इंसान आपका वीडियो देख के ना खुद ही इतना परेशान हो सकता है जो वो कुछ भी कर सकता है, तो इस पर थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा, ऐसा किसी के साथ मत कीजिए। कल के डेट में अगर आपके साथ कुछ भी होता है ना तो आपके भी फोटो पर हार चढ़ा देंगे लोग बाग, सही में कह रही हूँ। ये कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं ना जो ऐसे गिरे हुए नीच हरकत करते हैं, अरे जिसकी डेट हुई है उसके फोटो पे हार माला चढ़ा लीजिए, पर जो जिंदा है उसके ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो, कितना बुरा लग रहा है इन दीदी को। अगर
सपोर्ट आप लोग कह रहे हो ना, जो सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट इन्हीं सब में देखा जाता है। सपोर्ट अच्छे वीडियो के लिए देखा जाता है, ना कि भाई याद कुछ भी लिख दो, कुछ भी चिपका दो। इतने दिन से हम लोग आप सभी को यही समझा रहे हैं, जो कोई कोर्ट कचहरी हुआ नहीं है, सपना दीदी अपने मुँह से अगर कोई बात बोलती है तो उस पर यकीन कीजिएगा। और अब आप लोग किसी के आंखों में इतना सारा धूल झोंक दिया है ना इन साहब की देवी ने, अब तो चाहके भी नहीं मिटेगा जितना वो भी उस छाप लिए तोड़ के मरोड़ के। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ जो आप लोग को ये वाला वीडियो और ये वाली बात समझ में आ गई होगी, तो अब आप किसी के बारे में ऐसा अब्द शब्द नहीं लिखेंगे कमेंट में, और ना ही किसी। अभी सपना दीदी भी चाहती है जो मेरे फैमिली अच्छे से रहे, मैं उनको आगे लेके जाऊंगी, वो खुद हिम्मत कर रही है, पर इनके जैसे जो लोग हैं ना वो उनकी हिम्मत तोड़ रहे हैं कोर्ट और कचहरी की बात करके। YT पे ना इस तरीके की गंध मत फैलाइए, आप लोग हजार बार समझा चुके हैं आपको, और जो आपको समझाती है ना उनको आप कुत्ता बना देती हो, उनको कहती हो भोगते रहो, तो कोई ऐसे ही नहीं भोगता है। और अब जो है ना, अब आपका कारनामे भी बाहर आ गए, अब तो जिसके लिए आप लड़ रही थी ना वही नहीं आपको सपोर्ट कर रहा है, उसी ने आपको तमाचा मार के हटा दिया है, तो आप बताइए किसको इंसाफ दिलाएंगी आप? हाँ, उसका जवाब जरूर दीजिएगा ऑडियंस को। आपकी ऑडियंस बड़े आपको देख के व्यूज दे रही थी, कुछ सीख रहे थे ना, कलेक्टर बन रहे थे ना आपकी वीडियो देख के। तो आप लोग जानिए समझिए, और सपना दीदी का भी वीडियो देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।